भोकर तालुका कांग्रेस के कारगुजार सदर के तौर पर शेख मकसूद गोंदवाले को नामजद कर दिया गया है। नांदेड़ जिला कांग्रेस दफ्तर पर जिला कारगुजार सदर बीआर कदम और शहर कांग्रेस सदर अब्दुल सत्तार के हाथों शेख मकसूद गोंदवाले को अहदे का तौसीक नामा सौंपा गया। इस मौके पर शेख मकसूद गोंदवाले ने अहदा देने पर पार्टी क्यादत का शुक्रिया अदा किया और अज़्म जाहिर किया कि लोकसभा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को जीत दिलाने में खूब मेहनत करेंगे। साथ ही भोकर में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी जद्दोजहद करेंगे। ज़िला कारगुजार सदर बीआर कदम ने एक लेटर जारी करते हुए भोकर तालुका सदर गोविंद बाबा गोड़ की जानिब से मुकर्रा करदा भोकर शहर के सदर को बर्खास्त करने का हुक्म भी जारी किया है। शेख मकसूद गोंदवाले को अहदा दिए जाने की तकरीब में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन मौजूद थे। कार्य अध्यक्ष पद दिए गए है और ये जो पद मुझे दिए गए कि भाई तालुके में बस तंग से मन से काम करना है कांग्रेस पार्टी का, तो इसलिए मैं हमारे जिला अध्यक्ष बिहार काका का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो इलेक्शन हो रहा है, खासदार का जो इलेक्शन है, तो हमको उम्मीद है हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में बहुत लीड से पूरे बहुमत के साथ पूरे सीट आएंगे और उसमें हमारी हर समाज को लेकर चलना है। क्या हर समाज को लेकर चलना है? जो भी हमारी पार्टी ने अगर समझो नांदेड़ हलके से खासदार का टिकट अगर डिक्लेयर की तो उस साथ हमको काम करना है। चाहे कोई भी रहो, हम वो खासदार बनाए बिगर रहेंगे नहीं और सर्व समाज को लेके चलेंगे। क्या दलित है, मुस्लिम है, ओबीसी है, भोजन है, हर समाज के लोगों के साथ हमको काम करना है। अरे नाराज़गी ये नहीं थी, नाराज़गी इसलिए थी कि भाई पार्टी के कुछ रूल्स है, पार्टी पक्ष के रूल्स है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष से लेके तो और कोई ज़िले में अध्यक्ष रहने दो या तालुके में अध्यक्ष रहने दो और कोई शहर अध्यक्ष रहने दो, उसके एक सिस्टम चलता है, ऊपर से चलता है सिस्टम पूरा पार्टी के। तो यहाँ पर हमारे पास ये नाराज़गी थी कि भाई जहाँ पर भी भोकर तालुके में तालुका अध्यक्ष की निवड़ हुई, तालुका अध्यक्ष की निवड़ हो जाने के बाद तालुका अध्यक्ष को ऐसे पावर नहीं है जो कि प्रॉपर पे शहर अध्यक्ष बनाए, तो इसलिए वो नाराज़गी हमारे शहर के अंदर थी। और कुछ लोग वहाँ पर इच्छुक थे, हमारे सके लोग इच्छुक थे, तो हमने जब डिमांड किए कि भाई जिला अध्यक्ष को, तो जिला अध्यक्ष ने हमको बताया कि हमने शहर अध्यक्ष नहीं दिए और हमको तुमको एक ऐसे अहदे पे लेना है, ऐसे काम पे लेना है। तो मुझे उस मामले में तालुका कार्य अध्यक्ष बोल के निवड़ किए गई है, तो मुझे वो पद तालुका कार्य अध्यक्ष बोल के कबूल है। और अभी हमने शहर अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं किया, मुझे पावर है जिला अध्यक्ष को, तालुका अध्यक्ष को नहीं है, इसलिए बोल के हमको उन्होंने बताया गया है। और बिंदास आप बोल सकते तालुका अध्यक्ष शहर अध्यक्ष बना नहीं गया और इलेक्शन के बाद ये प्रोग्राम लिया जाएगा पूरे इसमें। और मुझे जब तारा अध्यक्ष बना गया, कार्य अध्यक्ष बनाया गया, तो मुझे ये पत्र दिया गया है क्या, और इंशाल्लाह मैं ये पत्र के ऊपर मैं अपना बराबर काम करूँगा। अभी पार्टी का तो 40 साल से अपन ने उनको साथ दिया था, मैंने भोकर नहीं, तालुके से नहीं, मैंने ज़िले के अंदर आके कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ो के आप चैनलों के सामने मैंने आवाज़ उठाई थी, वो हक आवाज़ थी, नाहक आवाज़ नहीं थी, वो दिल की आवाज़ थी और दिल से थी। मेरे जो लाखों के करोड़ों की संख्या में जो नांदेड़ ज़िले के लोगों ने मतदान किया था, हर समाज के लोगों ने, तो उनको वो धोखा होगा था। तो आज ये मौका आगा फिर से, वो कांग्रेस पार्टी जिंदी है, मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष को हमारी रिक्वेस्ट है कि हम बराबर, आज भी एक नहीं गया, एक जाने से कुछ नहीं होगा, हजारों लाखों की संख्या में आज भी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की प्रेमी वैसी जिंदे है। तो और आप तो, मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, कांग्रेस के अंदर आज रश होगा नांदेड़ ज़िले में, महाराष्ट्र में तो है ही है,
तो हम एक ने जो कुछ भी करेंगे तो बराबर कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस के प्रेमी है, कांग्रेस को लेकर चलेंगे जो भी खासदार हमारा आएगा। और हमारे अभी की हमारे पास, मैं तो अभी एंट्री हुई मेरी कांग्रेस में, और हमारे जो नांदेड़ से जो ठहर रहे खासदार के लिए, तो मैं उनको ऑलरेडी मुबारकबाद दे रहा हूँ। हसन राव चौहान को आप बड़े लीड के अंदाज में चुनकर आएंगे, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद मेहनत करेंगी और जनता खुद वोट देकर आपको लीड से चुनकर लाएंगी। मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ और रमज़ान की मुबारकबाद दे रहा हूँ सर्व समाज को, सर्व पक्ष के लोगों को बोलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।